नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के किड्स केयर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। यह प्रतियोगिता दूसरी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक आयोजित की गई। आठवीं कक्षा को राधा कृष्ण जी की प्रतिमा बनाते हुए उन्हें बेस्ट मटेरियल से जाना था, जिसमें सृष्टि पवार और नित्य कपासिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं पर अलीशा और आरोही ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा सातवीं के बच्चों को श्री कृष्ण की मटकी सजानी थी, जिसमें अपेक्षा संभव आरुषि ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं पर नेहा सुहाना वंश सैनी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा छठी से छात्राओं ने वेस्ट मटेरियल से बांसुरी बनाई और उसको सजाया भी, जिसमें राधा और आस्था ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं अवंतिका, अनिष्का और रितिका ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा पांचवी के छात्र छात्रा को रक्षाबंधन की थाल सजाते हुए अपनी प्रतिभा दिखानी थी, जिसमें अंशिका आन्या ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं तीसरी व चौथी कक्षा के छात्र छात्रा को वेस्ट मटेरियल से राखी बनाना और उसको सजाना था, जिसमें कक्षा चौथी के लविश कमलिक, आयुष्मान और दीक्षा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं पर आफिजा फबी, राघव और संस्कार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और कक्षा तीसरी के छात्र छात्राओं में अंश चौधरी, कुणाल, रिहान, शिवान सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं मोहित, सूफियान, विराट और आराध्या ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा दूसरी के छात्र छात्राओं को राखी के चित्र को वेस्ट मटेरियल से सजाना था, जिसमें फैज, आन्या, अवनी सैनी और सोनिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में करुणा माहेश्वरी, सरिता डागा, हिमाक्षी सैनी, ईशा, शिवांगी सैनी, कमलेश गुप्ता आदि का सहयोग रहा। स्कूल प्रबंधक विभोर डागा और प्रधानाचार्य मंजू डागा ने बच्चों को पुरस्कार देकर उनकी प्रतिभा के लिए उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।